हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो 500 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो जल्दी से देखते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो अब तक आते थे इसमें वो 4 मार्क्स का ही चैप्टर आता था, लेकिन सैंपल पेपर में 6 नंबर तक के इसके क्वेश्चंस जो है वो गए हैं। तो देख लीजिए कि पिछले साल से भी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर अब की बार कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आने वाले हैं। जल्दी से मैं आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट बता देती हूँ इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बेसिक थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी, जिसको आपको जानना जरूरी है। एज सच तो क्वेश्चन इस पर ज्यादा नहीं आता है कि वर्नर थ्योरी डिफाइन करिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसके बिना आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में कुछ जान नहीं सकते हैं। दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसे जस्ट एक बार रिवाइज याद कर रखिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स है जिसके बेस पर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं। देन इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, क्वेश्चन वाइज इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आइसोमेरिज। आइसोमेरिज वैसे बेसिकली 3 टाइप की है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, उस पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कुछ। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस पार्ट। देन आई पैक नेम से तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलने का पूरे चांसेस हैं। एंड इन दोनों में से एक पर क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, शॉर्ट आंसर 2 या 3 नंबर के पार्ट में। ठीक है, तो मैं चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो पहले आ चुके हैं। मैं आपको वो दिखाती हूँ कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज। जैसे कि आइसोमेरिज मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज पर क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें लिंकेज आइसोमेरिज का जैसे वो क्वेश्चन का एग्जाम्पल मांग रहे हैं इसका, कि आइसोमेरिज का कोई एग्जाम्पल बताइए। तो लिंकेज आइसोमेरिज बेटा क्या होता है, जिसमें कि हमें एम्बिडेंट कोई लिगेंड वहां पर हो प्रेजेंट, एक ऐसा लिगेंड हो जो दोनों साइड से जुड़ सकता हो, लिंक हो सकता हो। जब वो किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में एज अ लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो उसका एक आइसोमर ऐसा बन सकता है जो कि अपनी लिंकेज चेंज करके, लिंकिंग पॉइंट चेंज करके दूसरे टाइप का कंपाउंड बना दे, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर आप ये एग्जांपल आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर वाटर, दोनों में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ NCS, और यहाँ पर भी, यहाँ पर यदि हम SCN से इसको चेंज कर दें, इसका बना दें कि सल्फर से ये जुड़ा हुआ हो, तो SCN जो इसका कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म का होगा। तो आप लिंकेज चेंज कर सकते हैं, जैसे ये CN है, CN की जगह आप NC लिख लेंगे तो वो सेम कंपाउंड का दूसरा आइसोमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज का कोई एग्जाम्पल देना है। 1 मार्क्स में आपको आइसोमेरिज के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, मैंने सेलेक्टेड कुछ कुछ उठाया वहां से, नहीं तो हर साल इसका एक क्वेश्चन हुआ है, आता ही आता है आइसोमेरिज, डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज से। तो ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज का। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज क्या होती है, जिसमें कि दो कॉम्प्लेक्सेस आपस में बॉन्डेड होते हैं, एंड दोनों कॉम्प्लेक्स में आपस में लिगेंड जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। सेंट्रल मेटल आयन जो होगा वो अपना लिगेंड दूसरे के लिगेंड से अपना एक्सचेंज कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का काफी आए हुए हैं कि आईपैक नेम लिखिए इस कंपाउंड का। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, सब जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें आए हुए हैं और या आ सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे बता दिखा रही हूँ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई, इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है एंड क्यों। अब ये स्टेबिलिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है कि दोनों में हमें स्टेबिलिटी फैक्टर में कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है। दोनों में सेंट्रल जो एलिमेंट है सेम है, दोनों की वैलेंसी जो उसके ऊपर है वो सेम है, +3 है दोनों के ऊपर चार्ज, अमोनिया भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इथाइलिन डाइमिन भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो +3 चार्ज है वो कोबाल्ट का है, तो इट मीन्स कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दोनों में क्या है, +3 है। यहाँ पर जो लिगेंड है वो यूनिडेंटेट है, और यहाँ का लिगेंड जो है वो इथाइलिन डाइमिन है, जो कि चिलैटिंग लिगेंड है। चिलैटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं वो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ।
जो जिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा जिलेटिंग इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबल कर देते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू द जिलेटिंग इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज मीन बाय जिलेटिंग इफेक्ट, कि क्या होता है ये जिलेटिंग इफेक्ट। जिलेटिंग इफेक्ट होता है जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन से जब एक रिंग सी बना लेते हैं, रिंग बनाकर स्टेबल हो जाते हैं, देन दैट टाइप ऑफ इफेक्ट कॉज बाय द रिंग कॉजिंग लिगेंड इज कॉल्ड द जिलेटिंग इफेक्ट, जिससे कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जिस जैसे मैंने अभी यहाँ क्वेश्चन में बताया कि यहाँ अमोनिया जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली स्टेबल नहीं होगा कंपैरेटिवली इथाइलिन डाइमिन से, क्योंकि इथाइलिन डाइमिन में ज्यादा चिलेटिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द शेप, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें ये दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर आपको, शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन की आप खूब प्रैक्टिस करिएगा और यदि नहीं आता है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, डाल दीजिएगा क्वेश्चन। मैं इस पर स्पेशल टाइप का आपको वीडियो बनाकर बताऊंगी कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं अभी जस्ट आपको बस ये दिखा रही हूँ कि एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है और हम कैसे पता लगाते हैं, लिगेंड की नेचर से पता लगाते हैं कि यदि लिगेंड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है तो वो D2SP3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन करेगा, अंदर वाले डी ऑर्बिट पर ज्यादा शिफ्टिंग करके अंदर के डी ऑर्बिट को अपनी हाइब्रिडाइजेशन में अपना इलेक्ट्रॉन फिल करने में यूज कर लेता है, एंड ऑक्टाहीड्रल नेचुरली ऑक्टाहीड्रल शेप तो दोनों में ही आएगी, लेकिन अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसकी शिफ्टिंग की वजह से, यदि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं देन वो बन जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और यदि वो बाहर के ही ऑर्बिट्स को फिल करता है sp3d2 टाइप करता है और अंदर के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह जाते हैं, इन दैट केस वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस टाइप से हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर एंड उनकी शेप वगैरह यहाँ पर बताते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपका आता है, 2 पार्ट्स में आ सकता है, तो 2 मार्क्स का 3 पार्ट्स आएंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये मैंने आपको पूरा निकेल वाला पार्ट यहाँ पर दिखा दिया, निकेल के साइनाइड वाले पार्ट में स्क्वायर प्लेनर ये शेप है और इसकी DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है और मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इसका वो डाया मैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन CFT से रिलेटेड पूछा गया है काफी बार कि कोई भी स्टेबल एग्जाम्पल देके CFT थ्योरी को एक्सप्लेन करिए, कि CFT थ्योरी क्या होती है एंड देन उसे एक्सप्लेन करिए। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एक पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में जो है बिहेव करता है और जो लिगेंड्स है वो एनायन की फॉर्म में है, एंड देन जैसे जैसे वो क्लोज आते हैं तो डी ऑर्बिट जो है वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होकर वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होकर चला जाता है, T2d एंड EG ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो गया। अब ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा ओ वैल्यू वो डिपेंड करती है लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर, यदि लिगेंड बहुत स्ट्रांग है तो डेल्टा ओ वैल्यू ज्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी कम होगी, और यदि लिगेंड वीक है तो डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है एंड पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग वो 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो ये हमने थ्योरी के बारे में और उसका डायग्राम दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और जो मैंने आपको अभी बताया कि 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा ओ एंड पेयरिंग एनर्जी, वो क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो फिर आपका है कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसमें कॉम्प्लेक्सेस में एंड डिफरेंट टाइप की उनकी जो शेप है वो बता दीजिए, पूरा एक्सप्लेन मत करिए, सिर्फ उनके बारे में आप लिख दीजिए। तो ये भी आपको करना तो सॉल्व उसी टाइप से पड़ेगा, लेकिन इसको बस रिपोर्ट करना है उस फॉर्म में। तो ये 3 डिफरेंट टाइप की वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत पिछले 5-6 साल में आए हैं, मैंने ज्यादा पीछे नहीं गई हूँ, मैं विदिन 5-6 ईयर्स के मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं, वो मैंने आपसे आज डिस्कस किए, और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताने वाली हूँ कि इस साल कौन से क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, बिल्कुल मत भूलना, और यहाँ इस वीडियो के साथ आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज किए।
तो जब आप इतना रिवीजन अच्छा कर ही रहे हो तो क्यों ना अनअकैडमी का एसेंट जो है वो एग्जाम जो होने वाला है स्कॉलरशिप एग्जाम वो क्यों नहीं आप अटेंड करते। तो मेरा तो ये मानना है कि जब भी आप पूरी मेहनत करते हो तो जहां से भी आपको रिवीजन के चांसेस मिल रहे हो, जहां से भी आपको कोई भी प्राइज विन करने का चांस मिल रहा हो तो जरूर अपने आप को चांस देना चाहिए। तो अनअकैडमी जो है वो एसेंट एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं जो हर महीने वो 5 लाख तक के स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ये खाली आपकी क्लास के लिए नहीं है, आपके कोई भी भाई है, बहन है, कोई आसपास है, रिलेटिव है, 6 से 12 तक के लिए सबके लिए है ये चांस जो वो ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। कब होने वाला है ये? 10 जनवरी को 11 बजे से 12 बजे तक होगा ये, 11 से 12 के बीच में, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेबस आपको रिवाइज करना है खाली, कोई बाहर से कोई सिलेबस और कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं दी जा रही है आपको पढ़ने के लिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को थॉरली अच्छे से रिवाइज करिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन का नंबर एग्जैक्ट हर एक के लिए अलग हो सकता है, मैथ्स और साइंस का स्पेशल है यहाँ पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना, पेमेंट नहीं देनी है इसमें। सिर्फ आपको क्या करना है, लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे अपने आप को एनरोल करना है इसमें। एनरोल करने के लिए पहले आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी और लिंक से आप वहां पर ओपन करें, लिंक ओपन करेंगे देन वहां पर एक इनवाइट कोड डालना पड़ेगा जो कि है आपका डीएसएल क्लासेस। डीएसएल क्लासेस इज द इनवाइट कोड फॉर दैट। यदि आप ये इनवाइट कोड डालेंगे देन यू कैन ज्वाइन द अनलॉक द एसेंट या स्पेशल क्लास, जो भी आप देखना चाहते हैं फ्री क्लास या एसेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डीएसएल क्लासेस के इनवाइट कोड से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के इस साल के वो देखना बिल्कुल मत भूलना और उसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर।